अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बेसिकली जो हमारा ईगल है, ये जो टॉप वाली लेयर पे जो ईगल आ रहा है, और इसके अंदर इसको मैं दोबारा 100% रेजोल्यूशन कर रहा हूँ, और सॉरी अपेसिटी इसकी 100% आएगी। अच्छा, इसके बिटवीन जो बेसिकली इसके बिटवीन ये जो आप देख रहे हैं, जो वाइट ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, जो गैप आ रहा है, और ये जो बेसिकली चीज़ जो आ रही, इसको बेसिकली हम लोग वाइट और ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखेंगे कि किस तरह होगा। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरी फाइल है, ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो थोड़े सा एडवांस ये इसमें टेक्निक्स है, तो आप काफ़ी ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चूँकि ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये तमाम लेयर्स आपको पता है अलग हैं, तो मैं एक लेयर बनाता हूँ, नई लेयर, लेयर में आके और यहाँ से फिर लेयर सॉलिड, और इसको ओके करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको ये करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, ये देखिएगा अब ये इस तरह प्रॉपर बन गया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अब मैं आता हूँ इसके चैनल्स में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये इधर बन गया। चैनल्स में आने के बाद मैं इसमें देखता हूँ कि कौन से चैनल्स पे ये जो लेयर है या ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये अच्छा बनेगा। तो मैं आ जाता हूँ लेट से। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ये ब्लैक और वाइट ज़्यादा किस वाइट और ब्लैक किसमें ज़्यादा आ रहा है। सो अगर गौर से देखा जाए तो मे बी शायद इसके अंदर ब्लू वाले में आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू वाले की मैं एक ले लूँगा कॉपी, सिंपल इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, और इसको एक कॉपी कर दिया मैंने ब्लू को। ठीक है, ब्लू लेयर की मैंने यहाँ से ले ली कॉपी। अच्छा, आप देखें कि वाइट ब्लैक ग्रे तमाम में कन्वर्ट है। मेरी कोशिश ये है कि ये जो लाइंस हैं मैक्सिमम वाइट की तरफ चली जाएं, मतलब लाइंस ब्लैक हो जाए इसकी, और बाकी जो ग्रे हुआ है ना, आपको जैसे मैं थोड़ा जूम इन करके समझाता हूँ, ये देखें लाइन्स तो ब्लैक हुई है लेकिन ये अंदर का ग्रे हुआ है, इसमें लाइट ग्रे हुआ है, और ये देखें यहाँ पर वाइट हुआ है। और अगर मैं थोड़ा इस तरफ आऊँ, ये देखें इसमें देखिए ब्लैक हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये लाइंस ब्लैक हो जाए, बाकी तमाम वाइट हो जाए जिस हद तक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है इसमें, तो प्योर पूरे तरीके से तो नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम इसको वाइट करते हैं। तो बेसिकली हमने ये लिया था जिसमें सबसे अच्छा कंट्रास्ट बन रहा था, और मैंने ब्लू की डुप्लिकेट ली। डुप्लिकेट लेने के बाद मैं जाऊंगा इमेज में, एडजस्टमेंट में, और उसके बाद जाऊंगा लेवल्स में। अच्छा, लेवल्स में आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल ये देख रहे हैं आप, शायद आपको लेवल्स में आपको नेक्स्ट आने वाले किसी और एडवांस ट्रेनिंग्स में डिटेल से लेवल्स का समझाऊंगा, लेकिन लेवल्स का फ़िलहाल इसके अंदर मैं ये बता दूँ कि ये वाला पार्ट जो है, ये डार्क पार्ट डार्क करता है इमेज को, और ये पार्ट वाइट करता है इमेज को। ठीक है, और मिडिल पार्ट क्या है कि डार्क और वाइट के बिटवीन काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली ये करेंगे, जो वाइट वाला पोर्शन है इसे कलर पिकर से वाइट उठाएंगे, और किसी भी डार्क, ज़्यादा डार्क नहीं बल्कि मिड ग्रे पे क्लिक कर देंगे, लेट्स लाइक दिस। ये देखिएगा, देखना आप इस तरह आ रहा है। थोड़ा सा और इसको करेंगे दोबारा से, इतना मज़ा नहीं आया, कैंसिल करता हूँ। दोबारा इमेज में आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं, लेवल्स में आते हैं, दोबारा इसको लेते हैं, और इस दफ़ा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये काफ़ी हद तक हमारे पास वाइट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इफेक्ट इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इमेज काफ़ी हमारी ब्लैक एंड वाइट है, तो दिस इमेज इज़ नॉट दैट बैड। तो यहाँ से मैं लग के इसको ओके कर देता हूँ, और ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कंट्रोल सिलेक्शन बना देता हूँ, और दोबारा मैं इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, और दोबारा मैं लेयर्स में आ जाता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं इसको क्लिक करके क्यू प्रेस कर देता हूँ। क्यू का आपको पता होगा कि क्यू क्या करता है, आपको वो बना देता है बेसिकली क्विक मास्क मोड की सिलेक्शन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे, अब मैं इसमें सिंपली एक काम करता हूँ, मैं एक लेयर बनाता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं एक सिंपली ब्लैक एंड वाइट
ऑल्टर बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं, ऑल्टर बैक स्पेस, ये देखिए ऑल्टर बैक स्पेस वैसे क्या करता है, सॉरी गलत हो गया, ये कर देता हूँ। इनफैक्ट ये भी इस तरह से भी नहीं होगा। अच्छा बेसिकली इसको हम यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं और दोबारा से इसमें आ जाते हैं बैक करके, और यहाँ से दोबारा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसका मैं सिंपली एक आसान हल ये है कि इसको मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहीं से आपको शायद याद होगा जिस तरह मैंने इन्वर्ट किया था इमेज में आके, एडजस्टमेंट में आके इन्वर्ट किया था, वही मैं इधर कर लेता हूँ, कंट्रोल आए, ठीक है। तो हमारे पास ये सिलेक्शन इधर आ गई। अब इस सिलेक्शन पे अगर हम लोग आ गए, ओके, तो ये स्टेप हो गया यहाँ तक कि हमने सिलेक्शन को अपने वाइट कर दिया कंट्रोल आई प्रेस करके। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा ताकि सिंपल हमारी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। मैं दोबारा इस RGB चैनल में आ जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा। अच्छा इस लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा जो मैंने पहले बनाई थी, सिंपल डिलीट करके, यस। अच्छा मैं इसको ऑन कर लूँगा, यहाँ से देखिएगा ये हमारे सिलेक्शन बन चुकी है RGB की, ठीक है। अच्छा चूँकि अब RGB सिलेक्शन बन चुकी है, अब मैं आ जाऊँगा लेयर में, फिल लेयर सॉलिड यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं नाम रख दूंगा LEAD लेट, और यहाँ से इसको लेट से थोड़ा सा ग्रे कलर देता है इसको, लेट्स मेक इट ग्रे, थोड़ा बना के लेट्स मेक इट 50, ठीक है, ओके कर देता। तो ये था हमारे पास इफेक्ट। अगर मैं देखो ऑफ करूँ, ये देखिए ऑफ हो गया, ये देखिए ऑन हो गया। तो ये बेसिकली हमने कम अप किया है विद ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट के साथ, ठीक है। इसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, ये देखें इस वाली को अगर आप देखें यहाँ पर, हाँ अच्छा यहाँ पर ये आ रहा है कि हमारा ये ऊपर तो आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से इसको कवर नहीं कर रहा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से पूरी इसको कवर करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जो हमने चाह रहे थे, जो इसके जिस तरह मैंने आपको बॉर्डर्स बताए थे, बॉर्डर्स आने वो तकरीबन आ चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहे। स्पेशली अगर आप इस पार्ट को देखें, देखें ना आप, ये हमारे बॉर्डर्स आ रहे सारे, तो पूरी तरह कवर नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके पूरी तरीके से कैसे कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।